रिएक्शंस पे बात करें, कुछ नया गाइडेंस हासिल करें, और अच्छी तरह से गाइडेंस को अपने अंदर पाने के लिए हम अपने आप को सेंटर करेंगे। तो छोटा सा रिलैक्सेशन के लिए तैयार, सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, जेंटली क्लोज योर आईज, धीरे से अपनी आंखें बंद कर अपना पूरा ध्यान सांसों की ओर अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस माइन्यूटली ऑब्जर्व करें अपनी ही सांसों को, सांसों की गति को, सांसों की तापमान को, धीरे धीरे देखिए आपका चित्त इसी सांस के साथ जुड़ चुका है, अंदर जाती सांसों के साथ अंदर और बाहर आती सांस के साथ बाहर। आती जाती हर सांस आपके मन को, आपके चित्त को अंदर बाहर कर रही है। भाव के साथ देखिए अंदर जाती हुई सांस को, जो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार कर रही है, जीवन दान दे रही है। बाहर आती हुई सांस जो आपके शरीर से सब तनाव को बाहर धकेल रही है। मृत्यु को बाहर धकेल रही है और जीवन को अंदर समा रही है। धीमी गहरी सांस जो आपके शरीर को हल्का बना रही है, शिथिल बना रही है और मन को शांत अवस्था में ले जा रही है। मन की शांत अवस्था अपने ही भगवान के साथ, गुरु के साथ कनेक्ट होने में बहुत मदद कर रही है। इसी शांत अवस्था में हृदय के भाव के साथ अपने ही गुरुदेव को वंदन कर, ईश्वर को प्रणाम कर प्रार्थना करें। आज के सत्र में मिलने वाली आने वाली नॉलेज को सही तरीके से अपने जीवन में उतार पाए, अमल कर पाए और आध्यात्मिक उन्नति कर पाए, ऐसी शक्ति प्रदान करें। जैसे ही समर्पण भाव के साथ प्रार्थना परवरदिगार ने, ईश्वर ने इसी प्रार्थना को कबूल करते हुए
मानिए आपको आशीर्वाद दिया है, शक्ति प्रदान की है, सामर्थ्यवान बनाया है। आध्यात्मिक उन्नति का एक नया ही मार्ग आपके सामने खोल, आपको पूरा सहयोग दिया है। अपने ही गुरु को, इष्ट देव को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए, नई ऊर्जा का संचार अपने मन में, नई नॉलेज को लेने के लिए मन के द्वार ओपन, और धीरे से अपनी आंखें खोलकर इसी प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो। फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन। हम बात करेंगे रिएक्शन की। जब तक हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हम रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे है, हमें ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि रिएक्शन से ही हमारे कर्म बनते हैं, हमारी जो न्यूट्रलाइजेशन होनी होती है, हमारा जो कार्मिक क्लियरेंस होना होता है, वो कहीं ना कहीं भटक जाता है और कोई नए कर्म में हम फंस जाते हैं। तो रिएक्शन बहुत ही हमारे लिए एक अलग से मोड़ पे हमें लाकर खड़ा कर देता है, इसीलिए रिएक्शन नहीं होना। रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमें कहीं पे गुस्सा आ जाता है, कहीं पे डर लग जाता है, कहीं पे किसी से नफरत हो जाती है, ईर्ष्या का भाव आ जाता है, जो थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय के बाद हमें ही खुद रियलाइज होता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए थे, लेकिन कोई बिलीव सिस्टम की वजह से, कोई एंकरिंग की वजह से, कोई हमारी अवेयरनेस की एब्सेंस की वजह से हो जाता है, फिर बाद में हमें पछतावा होता है। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन के जो ड्यूरेशन, अब जब हमें ये भी पता चल चुका है कि रिएक्शन नहीं करने चाहिए, रिस्पॉन्ड करना है, तो रिएक्शन आ जाते हैं उसमें क्या करें। तो डायरेक्टली तो हम रिएक्शन को कट या तो नलिफाई नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट नो रिएक्शन जोन में तो हम नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे करके हमें अवेयरनेस के साथ, हमें अवेकन होके हमारे खुद की ऑब्जर्वेशन करनी है, खुद का एनालिसिस करना है कि हमारे ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन क्या है। जैसे कई बार हमें कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है तो हम सालों तक नहीं बोलते हैं या नहीं बुलाते हैं किसी को, तो वो जो अवधि है, वो जो समय पीरियड है, वो समय अब कम हुआ कि नहीं। किसी के साथ अगर अनबनाव हुआ, किसी के पे गुस्सा आया, तो वो गुस्सा कितने दिन चला? पहले 10 दिन चलता था, 5 दिन या तो 2 दिन ही में हमने रियलाइज कर लिया। तो ये ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन जो है वो पहले की कंपेयर में कम हुआ कि नहीं, वो हम एनालाइज करना है। क्योंकि आप समझते हो कि ये जो अवधि होती है, ये जो समय पीरियड होता है रिएक्शन का, वो सिर्फ सालों या महीनों या घंटों का नहीं होता। ये जो समय पीरियड होता है रिएक्शन का, किसी के साथ अनबनाव का, किसी के साथ की जो भी हमारी हर्टिंग है, वो भाव का, दुख भरे भाव का जो भी रिएक्शन होता है, वो जन्मों जन्मों तक चलता है। Yes, जन्मों जन्मों तक चलता है। 5,000 साल पहले की भी हमारे अंदर मेमोरी रहती है, हमारे वो कनेक्टेड सोल के साथ कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं, और वो भाव बार बार पॉप अप हो सकते हैं।
तो समझ लीजिए जब हम पीएलआर करवाते हैं या करते हैं तब भी पता चलता है कि पीएलआर में भी वो राजा की लाइफ देखी है, वहां पे जो युद्ध हुआ है वो सब जब देखता है बंदा पीएलआर करने के टाइम पे, तो वो ही भाव को क्रिएट करता है, या तो गुस्सा करता है, या तो रोता है, या तो उसको ठंड लगती है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ होता है वो फिर से रिलीव करता है और वो ही सेंसेशन को महसूस करता है, वो ही रिएक्शन को रिएक्ट करता है। तो ये ड्यूरेशन से भी पता चल जाता है कि अब उसका गुस्सा कम हो गया, उसको कांपना हिलना वो जो रिएक्शन बॉडी लैंग्वेज की रिएक्शन भी कम हो गई, तब जाके जो पीएलआर थेरापिस्ट है उसको भी पता चलता है कि ये उसका ड्यूरेशन अभी धीरे धीरे कम हो गया है हीलिंग के साथ, और फिर उसको वो समय से वो संजोग से बाहर निकालते हैं या आगे पीछे ले जाते हैं। तो ऐसे ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शंस जो होती है ना, उसपे से बहुत हमें जानने को भी मिलता है कि हमारे अंदर हर एक सेल में वो रिएक्शन घूम रही होती है। तो इसलिए हम हमारे हर सेल में, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में जन्मों जन्मों की जो रिएक्ट हमने की हुई होती है वो सब मेमोरी भरी पर पड़ी है। तो वो मेमोरी को बार बार हमें हील करना है, डिलीट करना है, ताकि हम और रिएक्ट ना करें और रिएक्शन की ड्यूरेशन को ग्रेजुअली कम कर पाए। एकदम से तो नो रिएक्शन में हम नहीं आएंगे, अंदर से रिएक्ट नहीं करेंगे, बाहर से नहीं करेंगे, लेकिन अंदर गुस्सा दब जाएगा तो वो भी तो कहीं ना कहीं सेपरेशन हो जाएगा, वो भी तो अंदर का अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। तो ऐसे एकदम से नो रिएक्शन में नहीं जाना है, धीरे धीरे हमारी अवधि को कम करना है, हमारे ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन को कम करना है, देखना है कि अब तो मैं 1-2 घंटे में ही रिकवर हो सकती हूँ। ये कब हमारी रिएक्शन कम कम होगी, जब हम स्पिरिचुअलिटी को कंटिन्यू बना पाएंगे, जब हमारी हीलिंग प्रैक्टिस, जब हमारी साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस, जब हमारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहेगी, तो धीरे धीरे हमारा एक्सेप्टेंस भाव क्रिएट होगा, धीरे धीरे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें रिएक्शन नहीं करना है या तो कम करना है। राइट तो ये बिल्कुल एकदम सच्ची है, ये बात है कि एक्सपीरियंस करने वाली बात है, कि मेरे साथ भी ऐसा मैंने महसूस किया है। जब आज ये गाइडेंस मिली तब मुझे याद आया कि अगर हम प्रैक्टिस को कोई भी कारण से कम कर देते या तो छोड़ देते हैं ना, तब हमारी ये रिएक्शन रिस्पॉन्ड वाली चैनल खुल जाती है, ज्यादा रिएक्ट हम करने लगते हैं, ताकि अंदर से हमें मालूम भी होता है कि ये नहीं करो तो भी चलेगा, ये जो कुछ भी है हमारे साथ ये कार्मिक का खेल है, हम सब जानते हैं, फिर भी रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस कि जो एनर्जी फील्ड होता है वो कम हो जाता है या लीकेज हो जाता है, कब, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब थोड़े टाइम तक मैंने साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस इरेगुलर कर दी थी, हो गया था ऐसा कुछ समय कि इरेगुलर हो गया था, तो हीलिंग कर पाती थी लेकिन साइकिक नहीं हो पाती थी। तो तब जाके मैंने भी ऐसा अचानक से किसी के साथ ऐसा रिएक्शन कर दिया, ऐसा रिएक्ट कर दिया कि हाँ मेरे घर क्यों नहीं आए, या तो ये वो सब थोड़ा बोलना भी हो गया था। तो बार अंदर से मुझे पता था कि ये मैं नहीं ठीक कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो भाव इतने अंदर से थे, गुस्सा था, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ था कि बोल दिया सबके सामने। राइट, आज भी मुझे मालूम है कि ये नहीं बोला होता तो भी चलता, और ये जो उसकी नजर से जो ठीक था वो उन्होंने किया, मेरी नजर से जो ठीक है मुझे एक्सेप्ट करना। फिर भी तो अब मुझे पता चला कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मेरी एनर्जी लो थी, क्योंकि मेरी अवेयरनेस धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि मेरी कॉन्सियसनेस जो एक लेवल पे थी वो धीरे धीरे डाउन हो रही थी, तब जाके ये आजू बाजू की जो रिएक्शन है हम इजिली उसको री रिएक्ट करने में लग जाते हैं। तो
अंदर से पता होने के बाद भी अगर ये सब होता है, हो जाता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हम कंटिन्यू नहीं करते, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन को हमें धीरे धीरे कम करना है. हमारे रिएक्शन की टाइम जो है वो धीरे धीरे जैसे हम कम करते जाएंगे, हीलिंग की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, रिएक्शन करने का अंदर से अगर ऐसा कुछ आए तो हम सिंबॉल का प्रयोग करेंगे और सिंबॉल से रिएक्ट करेंगे. सिंबॉल डालकर हीलिंग कर कर वो रिएक्शन में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे. तो ऐसा इतना ब्यूटीफुल नॉलेज है, इतना ब्यूटीफुल हमें एक थेरापी दी है, बताई है कि अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है आपके सामने तो हम सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं. धीरे धीरे हमारे ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा और देन आफ्टर वी कैन रीच टू नो रिएक्शन जोन. डायरेक्टली हम अगर नो रिएक्शन पे आते हैं तो वो तो एक प्रिटेंड हो गया, वो ठीक नहीं है, राइट, होता ही नहीं है, वो एक ढोंग रहेगा. इसीलिए हमें रिएक्शन को कम 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 करते करते धीरे धीरे नलिफाई करना है. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, हमें डेली लाइफ में यूज करना है, रूटीन में हमें अपनाना है और धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ ये भी हो सकता है, हाँ हम सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है. तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको मेडिटेशन में. ये ही एक बात बतानी है कि अपने ही लाइफ में जो भी ऐसे इश्यूज बने हैं, जो भी ऐसी घटना बनी है जहां पे आपने रिएक्ट कर दिया था सालों तक, जो भी हीलिंग वेरी है किसी के साथ हमने नफरत या ईर्ष्या की भाव को जगाए रखा बहुत दिनों तक. कभी कभी तो हम दूसरी पीढ़ी में भी देखे जाते हैं कि इनके साथ हमारी बनती नहीं है, तो वो फैमिली फंडा जो रहता है, फैमिली अनबना, वो भी कंटिन्यू करवाते हैं, परंपरा में डालते हैं, दैट इज ऑल्सो गलत बात है. तो वो भी हमें सीखना है कि उसको भी हम कम कर सकते हैं. तो मेडिटेशन में हम ये ही बात को याद करेंगे अपने ही लाइफ की, दो तीन पॉइंट को कि कहाँ पे मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया था, वो रिएक्शन की अवधि को मैंने कितना खींच खींच कर बड़ा किया था, वो रिएक्शन को अब मैं कम करना चाहती हूँ धीरे धीरे से बॉल के साथ, हीलिंग के साथ, अपने ही भाव के साथ. उसको हम नलिफाई करेंगे, ड्यूरेशन को डिक्रीज करेंगे. तो बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन में जाकर खुद पे काम करने के लिए आइए हम तैयार. सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, मेडिटेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन. धीरे से अपनी आंखें बंद कर ध्यान सांसों की ओर, अंदर जाती सांस, बाहर आती सांस, बहुत ही भाव के साथ देखिए, ऑब्जर्व करें, फॉलो करें इसी ही सांसों को, सांसों की गति को, और महसूस करें अंदर जाती हुई सांस आपके शरीर में हल्कापन फैला रही है. बाहर निकलती हुई सांस आपके मन को शांत बना रही है. लंबी गहरी सांस
आपके शरीर में, हर एक सेल में, हर एक अंग अवयव में पहुंच रही है, ऑक्सीजन को फैला रही है, बाहर निकलती हुई हर सांस। आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर धकेल रही है। अंदर जाती हुई हर सांस आपके शरीर के हर एक एनर्जी सेंटर को टैप कर रही है। बाहर निकलती हुई हर सांस हर चक्र को बैलेंस कर रहा है। लंबी गहरी सांस और देखिए आपके ही मना चक्षु से विजुलाइज करें डिवाइन लाइट को और इन्वोक करें अपने ही परमपिता परमात्मा को। आवाहन करें साईं का, गणेश जी, हनुमान जी, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ। शिव शक्ति की बैलेंस एनर्जी का आवाहन करें। पंच महाभूता, नवग्रह और सभी डिवाइन एनर्जी को बड़े ही भाव के साथ बुलाते हुए अपने ही हायर सेल्फ का इन्वोकेशन, एंजल्स, पेरेंट्स, कनेक्टेड सोल्स, एंसेस्टर्स, गुरुदेव, महावतार बाबा जी, कृष्णा, मानिए इन्वोकेशन के साथ सभी डिवाइन एनर्जी आपके साथ जुड़ चुकी है। ब्रह्मांड से व्हाइट लाइट के फॉर्म में रेकी, करुणा रेकी के सिंबल्स की शक्ति, एंजल्स की शक्ति, सभी मंत्रों की पावर अब आपको हिल करने के लिए तैयार। सफेद ऊर्जा का फॉर्म डिवाइन लाइट ब्रह्मांड से आती हुई आपके क्राउन चक्र सेंटर होती हुई आपके थर्ड आई में इसी दिव्य प्रकाश को आपके ही इंटेंशन के साथ फैलने दीजिए। बॉडी के हर एक सेल में इसी डिवाइन एनर्जी को 63 ट्रिलियन सेल्स में
72,000 नाड़ियों में, हर एक अंग अवयव में, हर एक ग्लैंड में, आपके अंदर रहे डीएनए तक, क्वांटम पार्टिकल तक, इस सफेद ऊर्जा को, डिवाइन लाइट को, दिव्य शक्ति से घूमने दीजिए। इसी डिवाइन लाइट को सेंटर कीजिए अपने ही माइंड में, अपने थर्ड आई में, और यहां थर्ड आई पे जैसे ही फोकस, मन में ख्याल कीजिए अपने ही लाइफ के वो घटना को, वो बनाव को, जहां पे आपने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, जिसका पछतावा आपको आज तक है, जो नहीं करना चाहिए था, ऐसा रिएक्शन, वो पूरा माहौल को याद कीजिए और देखिए इस डिवाइन ऊर्जा वो पूरे समय में फैल चुकी है, उस घटना में हाजिर सभी लोगों पे, सभी वस्तुओं पे, हर जगह पे इस डिवाइन लाइट ने अपनी शक्ति को बिखेर दिया है और धीरे धीरे ये रिएक्शन का जो ड्यूरेशन पीरियड जो आपके मन में, जो आपकी लाइफ में गलत इफेक्ट कर रहा था, वो कम हो रहा है, धीरे धीरे नलिफाई हो रहा है। इस बनाव से अब आपकी लाइफ में कोई रंज नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, फुल्ली एक्सेप्टेंस है। जो होना था हो चुका, किसी का दोष नहीं है, किसी की गलती नहीं है, किसी पे गुस्सा नहीं है, इसी बनाव के साथ इसकी ही इफेक्ट के रूप में अगर मेरे हेल्थ पे कोई असर हुई है तो वो भी आज इस डिवाइन लाइट क्लियर करने के लिए तैयार, ऐसे ही कोई प्रसंग से अगर आपके जीवन में, रिलेशनशिप में कोई इश्यू बना है, किसी के साथ संबंधों में दूरी बन चुकी थी, वो पछतावा, वो हेट्रेट, वो नफरत,
वो गुस्सा। इस डिवाइन लाइट को सौंप दीजिए और पूरे माहौल को इस दिव्य प्रकाश ने हील कर दिया है। इससे उद्भव होने वाली सभी साइड इफेक्ट को, रिएक्शन की रिएक्शन को कम कर दिया है। ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन भी कम होने लगी है। इस डिवाइन लाइट जो आपके पूरे मन में फैल चुकी है, और एक बात याद कीजिए आपके जीवन की, जो फाइनेंस के संबंध में थी, जो पैसों के बारे में थी, पैसों के लिए आपके साथ कुछ बदसलूकी हुई, आपने कुछ रिएक्ट कर दिया, किसी ने आपके साथ धोखा किया, वादे को नहीं निभाया, धंधे में बिजनेस में खोट हुई या घूम हो गया, जो कुछ भी हो गया, कुछ लर्निंग के लिए था, कुछ एक्सपीरियंस के लिए था, कुछ कार्मिक क्लियरेंस के लिए था, कोई भी कारण इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं करना चाहिए था, या आज तक अगर माइंड में कुछ है, किसी पे गुस्सा, किसी के लिए रंज, इस डिवाइन लाइट को सौंप दीजिए सिर्फ इंटेंशन के साथ। आपको अगर ऐसा कुछ बनाव घटना याद है, नहीं है, सबकॉन्सियस अनकॉन्सियस माइंड में सब कुछ पड़ा है, सालों पुराना, जन्मों पुराना, एनिमल लाइफ की इम्प्रिंट भी अंदर पड़ी हुई है, सिर्फ इंटेंशन, सिर्फ सरेंडर। इस डिवाइन लाइट को प्रवेश होने दीजिए अपने ही सबकॉन्सियस माइंड में, अनकॉन्सियस माइंड में, खोल दीजिए सभी दरवाजे, कोई भी होल्डिंग नहीं, कोई भी रुकावट नहीं, पूरी तरह से ओपन, पूरी तरह से सरेंडर। बहुत सारी घटना है या एक भी याद नहीं आती है, कोई बोधर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सरेंडर, सिर्फ इंटेंशन भाव के साथ आज मैं सभी ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए इस डिवाइन लाइट को समर्पित हूं। कितने भी जन्मों के, कोई भी कर्मों के, कितने भी रिएक्शंस के भाव, रिएक्शन की साइड इफेक्ट्स, रिएक्शन की इम्प्रिंट, कार्मिक लूप बन चुकी है, वो सब को रिलीज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, नलिफाई करने के लिए, और ड्यूरेशन को कम करने के लिए डिवाइन लाइट का सहारा पूरे दिल के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ।
मन ही मन में देखिए अपने आप को समर्पित होता हुआ ईश्वर को, डिवाइन लाइट को, यूनिवर्स को। अपने आप को विजुलाइज करें, डिवाइन प्रकाश में जैसे ऑपरेशन टेबल पे हम डॉक्टर को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, जो कुछ भी ऑपरेशन करना है डॉक्टर करता है, हम कुछ बोधर नहीं करते, सिर्फ भरोसा करते हैं, सिर्फ विश्वास करते हैं जो गलत चीज है वो डॉक्टर निकालेगा। इसी तरह से पूरे ही भाव के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ भरोसा कीजिए इसे डिवाइन लाइट को, इसे ब्रह्मांड की एनर्जी को। आपने जिनका भी इन्वोकेशन किया है वो सब आज डॉक्टर बन के आए हैं। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, और सभी जन्मों जन्मों की गलत इम्प्रिंट को डिलीट करने के लिए अलाउ कीजिए। इस डिवाइन लाइट को क्लींजिंग करने दीजिए। और देखिए ब्रह्मांड की शक्ति ने, सिंबल की शक्ति ने, इस डिवाइन लाइट ने आपके मन में भरे पड़े सभी न्यूरॉन्स को, पार्टिकल्स को, क्वांटम पार्टिकल्स को, कार्मिक लेयर्स को जन्मों पुरानी मेमोरी को हील कर दिया है। बहुत ही प्योर और डिवाइन लाइट के साथ आपकी हीलिंग हो चुकी है। आपको पता भी नहीं था, आप जानते भी नहीं थे कितनी गलत इम्प्रिंट आपके अंदर भरी पड़ी है, जो समय आते ही पॉप अप होकर आपको रिएक्शन देने में, रिएक्ट करने में मजबूर कर रही थी। वो सभी अनवांटेड पार्टिकल्स को इस डिवाइन लाइट ने हील कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अनवांटेड सभी मेमोरीज को, अनवांटेड एनर्जी को डिलीट करने के बाद बहुत सारी जगह बन चुकी है आपके माइंड में, आपके मन में बहुत सारी जगह, स्पेस, एम्प्टी स्पेस बन चुकी है। अब आप मन ही मन में सिंबल्स की चैंटिंग करते हुए कोई मंत्र की चैंटिंग करते हुए इसी जगह को भर सकते हो।
बहुत ही भाव के साथ। ओम नमः शिवाय। 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 और देखिए इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो शिवाय की ध्वनि, ओम नमो शिवाय के मंत्र की शक्ति आपके सभी एम्प्टी स्पेस में फैल चुकी है। आपके मन के हर कोने में, हर एम्प्टी स्पेस में सिंबल्स की शक्ति, मंत्र की शक्ति भर चुकी है। जैसे ही आपके मन की शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, देखिए अपने ही लाइफ को, अपने ही रूटीन जिंदगी को, जहां पे आपको बहुत ही बार बार गुस्सा आ जाता था, अब आप बहुत शांति से रिएक्ट कर रहे हो, बहुत शांति से आंसर कर रहे हो। अब आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन अब कम होने लगा है, धीरे धीरे माइन्यूट होने लगा है। छोटी छोटी बातों से आपको जो डर लगता था वो भी धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। छोटी सी बात में घबरा जाते थे, अब शांति से हर बात को सुन रहे हो। थोड़ी ही फाइनेंस की इम्बैलेंस से आप बहुत ही वरी करने लगते थे, अब आपको भरोसा बन चुका है इस डिवाइन पे, इस परमपिता परमात्मा पे। और अपने आप को आप एंकरिंग कर रहे हो, मेरे साथ जो कुछ भी होता है मेरी भलाई के लिए होता है, मेरी अच्छाई के लिए होता है। हर सिचुएशन
मेरी फेवर के लिए होती है, ये बात पे आप आपको भरोसा बन चुका है। अब आप इतने इजीली गलत तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, बहुत सोच समझकर अवेयरनेस के साथ हर सिचुएशन को, हर पर्सन को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। क्योंकि आपकी हीलिंग प्रैक्टिस, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लगातार बन रही है, नियमित बन चुकी है। आप बहुत ही भाव के साथ जब भी रिएक्ट करने जैसा माहौल बने, आप सिंबल का प्रयोग कर रहे हो, आप प्रार्थना का प्रयोग कर रहे हो और हर सिचुएशन आपकी फेवर में बन जाती है। ऐसे सिंपल से प्रैक्टिस आप हर रोज कर रहे हो और ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन को कम कर नो रिएक्शन जोन तक पहुंच चुके हो। नो रिएक्शन, ओनली रिस्पॉन्ड, ओनली एक्सेप्टेंस, ओनली फॉरगिवनेस, ओनली ग्रेटिट्यूड, ये ही आपका स्वभाव बन चुका है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही तेजी से और ग्राउंडिंग के साथ हो रहा है। You are grounded with Mother Earth and connect with Father Sky. आप बहुत ही खुश हो, हर समय हर पल आप निजानंद में हो, परम सुख का अनुभव कर रहे हो। हर मोमेंट खुशी और ग्रेटिट्यूड। थैंक्स। इसी बात पे धन्यवाद करें सभी देवी देवता का, गुरुदेव का, ब्रह्मांड की एनर्जी का, खुद का और खुद की कनेक्टेड सोल्स का, सबका धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आप धन्यवाद के भाव के साथ इसी प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो। जब भी आपका मन करे आप आंखें खोलकर मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीता जी, और बहुत मजा आ गया एंड बहुत अच्छा था मेडिटेशन, बहुत ज्यादा मजा आ गया। एंड कैसा है कि मैं एक तो छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सभी के साथ एंड आप सभी को जस्ट गाइड कर रहा हूँ कि ये साइकिल मिशन का एक
वेबसाइट है जहाँ पर इसमें हमें सब चीज के बारे में पता चलता है, कोर्सेज के बारे में, कब कौन से सेशंस होने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप इवेंट्स में जाते हो तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा इवेंट कब होने वाला है। जैसे अगर हम वृंदावन के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर 13 यानी कि कल से शुरुआत हो रही है रिट्रीट की। क्या क्या टॉपिक्स लिए जाएंगे इसमें, एडवांस लेवल पे है, बेसिक लेवल पे है, एंड उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कितने दिन के लिए कवर करने वाले हैं, चार्जेस क्या क्या है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको सिर्फ करना क्या है, अगर आप आते हो या इंटरेस्टेड हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर रजिस्टर नाउ का बटन है उसे टैप करना है, आपकी सारी डिटेल्स डालनी है यहाँ पर, नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, एंड देन नेक्स्ट करना है एंड आपको सबमिट करना है। तो इसमें कैसा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ जाएगा एंड बाकी आपको लगता है कि जो भी रिट्रीट, जैसे ऊपर आप अगर देखते हो वर्कशॉप है तो कौन सी वर्कशॉप है, जैसे ये मुंबई में है, गोरेगांव में है, ये ऑफलाइन वर्कशॉप है, तो कोई भी मुंबई के वासी है जो यहाँ रहते हैं जिनको लगता है कि मुझे 1-to-1 भी सीखना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन जिस हिसाब से नीता मैम ने इतना अच्छा मेडिटेशन कराया और हमें लगा कि हम वाकई हम सभी लोग साथ में थे, बट अगर आप ऑफलाइन भी आते हो, गोरेगांव में हो गया या कहीं पर भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो आपको उतनी इससे डबल, 2 गुना 3 गुना ज्यादा एनर्जीज आपको प्रोवाइड होगी एंड आपको वो महसूस होगा। एंड जो रिजल्ट ओरिएंटेड हम बार बार कहते हैं कि रिट्रीट्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, 1-to-1 हीलिंग हो गई, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है वो आपको वहां पर महसूस होगी, फिर आप देख सकते हो कि आपके जीवन में कितना सुधार आता है। तो वृंदावन की रिट्रीट है अभी जो कल से शुरुआत हो रही है, किसी को लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए बट आप रुक रहे हो क्योंकि लास्ट मोमेंट है, इट्स ओके अगर लास्ट मोमेंट भी है, जो भी दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा, फरीदाबाद, जो नॉर्थ साइड रहते हैं, वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आप वृंदावन भी ज्वाइन कर लीजिए, शिरडी में भी हमारा नेक्स्ट मंथ है, फेब्रुवरी 2 तारीख से है, तो ये शिरडी की रिट्रीट हो गई। कौन से होटल में है उसका लोकेशन भी आप अगर ये टैप करते हो ना, होटल KBS ग्रैंड लिखा हो उसके ऊपर अगर आप टैप करते हो तो आपको ये लोकेशन पे लेके जाएगा, तो आप देख सकते हो कि कितने घंटे में आप पहुंचोगे, राइट। तो बहुत अच्छी सुविधा साइकना मिशन ट्राई करता है कि आपको दे, हर एक चीज में इजी रखे। आप कांटेक्ट नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और उस रिट्रीट के बारे में जान सकते हो कि कौन सी रिट्रीट में क्या होने वाला है, अलग क्या होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उसमें आपको क्या अलग मिलने वाला है, एंड आपको अगर पर्सनल लेवल पे कुछ भी गाइडेंस ये हम देने के लिए तैयार है। इट्स जस्ट आप हम तक पहुंचे ये सारे सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए। अगर आपको सोशल मीडिया नहीं यूज करना आता है आप हमसे पर्सनली बताइए, आपको आप हमें बताइए कि हमें आगे नेक्स्ट बढ़ना है। ऋषिकेश में भी प्लान हो गया है, 9 तारीख की रिट्रीट है मार्च में, 9 से 13 मार्च। तो जो भी इंटरनेशनली अगर हमारे साथ कोई जुड़े हुए अभी ऑनलाइन सेशन में या जो प्लान कर रहे हैं मार्च के रिट्रीट के लिए, तो आप अभी से रजिस्टर कर सकते हो ऋषिकेश की। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ 50 जनों को ही ले रहे हैं, नॉर्मली ऋषिकेश की हमारी 100+ जाती है, बट हम ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं करना चाहते ताकि हम 1-to-1 आप सभी पर ध्यान दे सके एंड आपको गाइड कर सके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बेसिक, एडवांस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सर का अट्यूनमेंट मिल जाता है उसमें, सर की और गाइडेंस मिल जाती है, और अभी सर ने बहुत ज्यादा और रिसर्च किया है जो हम ऋषिकेश के रिट्रीट में या बाकी सारी रिट्रीट्स में प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर प्लान कर रहे हो तो जल्दी बुकिंग करवा लीजिए, पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट कर लीजिए, सिर्फ जो नंबर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर ही आप कांटेक्ट कीजिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिले और अच्छी जानकारी मिले एग्जैक्टली वो रिट्रीट में क्या होने वाला है। बिकॉज हमारी टीम बहुत बड़ी है तो हमने अपॉइंट किया हुआ है कि रिट्रीट के लिए ये सही पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पर नाम मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर इवेंट्स वगैरह हैं आप देख सकते हो, बुक कर सकते हो। इसमें अगर हम आते हैं सर्विसेज में, सर्विसेज में हमने जिसको भी एक सिंगल करुणा हीलिंग सीखनी है या सिंगल साइकिक सर्जरी सीखनी है तो आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हो, साइकिक सर्जरी वर्कशॉप में क्या क्या होगा, उसके एनर्जी एक्सचेंज कितना है, आप उसमें अगर और जाते हो और डिटेल में आपको पढ़ने के लिए है, रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पर, ताकि फिर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आएगा हम आपको डायरेक्टली उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां पर आपको ऐड करके आपको सारे डिटेल्स दे देंगे कि आपकी नेक्स्ट सेशन कब होने वाली है ऑनलाइन, ऐसा। तो ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, करुणा रेखी हो गया, ये मिनी रिट्रीट हो गई, जिस उन सभी को अगर सीखना है
कि मुझे सारी हीलिंग मॉडालिटी सीखनी है, जो भी मेजर हीलिंग मॉडालिटीज है एक साथ सीखनी है, तो आप मिनी रिट्रीट में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है, आपको ऑनलाइन भी करते हैं हम, आप हमारे नियर बाय जो भी टीम मेंबर्स है आपको पर्सनल सेशंस भी दे सकते हैं हमारे नियरेस्ट सेंटर पे। मनी अबंडेंस हीलिंग हो गई, मोक्ष रीडिंग हो गई। तो मोक्ष पाथ रीडिंग सेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम आपको आपकी एस्ट्रल ट्रैवल में जो भी मतलब आकाशित जो रिकॉर्ड एक होता है, आपकी क्या जानकारी वहां पर छुपी हुई है, वहां से हम डाउनलोड करके आपको गाइड करते हैं ऐसा। तो इसके भी हमारे एक्सपर्ट है जो हमें गाइड करते हैं, आप सभी को गाइड करते हैं, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो। और बाकी हीलिंग है, ऑरा स्कैनिंग है जो आप सभी को पता है, 10 दिन की हीलिंग है, तो ये सारी सर्विसेज का आप लाभ उठा सकते हो। एंड जो भी जीवन में आपको प्रॉब्लम है, आप बेझिझक कोई भी टीम मेंबर को कॉल कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे, मैं नीता बेन से मुझे कनेक्ट होना है बिकॉज आप उनके मेडिटेशन से बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए, तो आप उनसे बात कीजिए, सलाह लीजिए, वो आपको और भी अच्छे से गाइड करेंगे, आपके जो भी तकलीफ है उसके हिसाब से गाइड करेंगे। तो आपका कनेक्ट हमसे मत छोड़िए, ताकि आपकी नहीं तो आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी तो और हम ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, बिकॉज दुनिया है 80% नेगेटिव है। आप जैसे सर के टॉक में भी देखते हैं, न्यूज चैनल्स हो गए, इसकी उसकी बातें करनी हो गई, तो नेगेटिव से जुड़ने से अच्छा हम पॉजिटिव से जुड़े, ताकि हम पॉजिटिव ही रिएक्ट करेंगे। जो हमारा सेशन था, जो नीता जी ने इतना अच्छे से हमें समझाया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को भी कोई भी सर्विस चाहिए आप वेबसाइट पे जाइए एंड सर्विस आप लॉग इन कर सकते हो वहां पर, और आपको सर्विसेज मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच नीता जी, आपने धन्यवाद, बहुत अच्छा लिया, और धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय। बाय।